दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया। आज के मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवरों में 133 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। भारत के लिए कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। केवल और केवल सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी की और मात्र 40 गेंदों पर 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अपनी पारी में 6 चौके और 3 बेहतरीन छक्के लगाए। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 15 जबकि विराट कोहली ने 12 रन बनाए और कोई भी बल्लेबाज ढाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। लोकेश राहुल आज के मैच में फिर से फेल हुए और 14 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। दीपक हुड्डा अपना खाता भी नहीं खोल पाए। हार्दिक पांड्या ने 2 जबकि दिनेश कार्तिक मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 ओवरों में 29 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि वेन पार्नेल ने 4 ओवरों में 15 रन देकर 3 विकेट झटके। सो दोस्तों, आपके अनुसार आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।